हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हो चुका है, आप ई वे बिल नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना ई वे बिल कैसे अनब्लॉक करें। अक्सर क्या हो रहा है कि 2 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव जब आप रिटर्न नहीं लगाते हो तो आपका ई वे बिल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉक को हटाने के लिए हम कैसे क्या करें, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सारे प्रोसीड्योर्स एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे हम अनब्लॉक करें GST वे बिल को। सीधा हम GST के पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं पहले सर्च करके दिखाता हूँ किसी टैक्स पेयर का GST IN। पहले हम क्या करेंगे, टैक्स पेयर का GST IN सर्च करेंगे और उसका स्टेटस जानेंगे कि वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम GST नंबर पुट करके मैं वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ। देखिए, ये जो GST नंबर है ये एक्टिव है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इनका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हुआ है या नहीं, वो हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइलिंग टेबल ओपन करके देखेंगे। अगर पार्टी ने, अगर वेंडर ने अगर रिटर्न लगाया हुआ है, अप टू डेट है, दैट मीन्स उनका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक नहीं है, वो ई वे बिल बना सकते हैं। इन केस अगर ई वे बिल ब्लॉक हो जाए तो क्या करें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीधा मैं चलता हूँ ई वे बिल के पोर्टल पर चलता हूँ। ये देखिए, ई वे बिल का पोर्टल है। ओके, यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है। देखिए, यहाँ पे दिखेगा अनब्लॉक स्टेटस, एक आएगा अपडेट ब्लॉक स्टेटस। तो ब्लॉक स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाँ, अपडेट ब्लॉक अनब्लॉक स्टेटस, ब्लॉक अनब्लॉक स्टेटस ऑफ GST IN। यहाँ पे मैं एक GST नंबर पुट करता हूँ और एक कैप्चा कोड पुट करके मैं ओके करता हूँ। तो इस पार्टी का दिखाएगा कि इसका ई वे बिल ब्लॉक है या अनब्लॉक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट ब्लॉक्ड, पार्टी का GST पर पार्टी का नेम और नॉट ब्लॉक, दैट मीन्स ये ई वे बिल ब्लॉक नहीं है और ये ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या करेंगे, आप रिटर्न सबमिट करके यहाँ पर फिर से अनब्लॉक कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा अनब्लॉक करने का, जैसे ही आप अनब्लॉक करेंगे तो आपका ई वे बिल पोर्टल ऑन हो जाएगा और आप आराम से अपना ई वे बिल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।